गुजरात में दो चरणों में 9 और 14 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चुनाव जीतने के लिए आक्रामक तरीके से प्रचार कर रही है। बीजेपी पिछले 22 सालों से गुजरात की सत्ता पर काबिज है, लेकिन बदली परिस्थितियों के बीच इस बार कांग्रेस पहले से बेहतर स्थिति में नजर आ रही है। 2014 के बाद गुजरात चुनाव पहला ऐसा चुनाव है जहां बीजेपी की बहुमत वाली सरकार है और इस चुनाव में बीजेपी का बहुत कुछ दांव पर लगा है। अब तक प्रधानमंत्री मोदी और उनके जोड़ीदार अमित शाह अजय रहे हैं और गुजरात में इन दोनों की ही परीक्षा होने वाली है। गुजरात विधानसभा चुनावों का परिणाम जो भी होगा उसका असर देशव्यापी होगा। ये चुनाव तय करेगा कि पीएम मोदी की ताकत और बढ़ेगी या फिर यहाँ से मोदी का डाउनफॉल शुरू होगा। मोदी और बीजेपी के लिए गुजरात चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि गुजरात मॉडल के सहारे मोदी देश की सत्ता पर काबिज हुए थे, लेकिन अगर मोदी गुजरात में चुनाव हार जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि मोदी का गुजरात मॉडल फेल हो गया है। ऐसे में बीजेपी गुजरात चुनाव में अपना सब कुछ झोंक रही है। हालांकि कामयाबी कितने मिलेगी इसका सही जवाब चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद ही मिलेगा। NMF न्यूज की रिपोर्ट।